नमस्कार। आज मैं आपको रैदास बानी नामक जो पीयूसी सेकेंड ईयर के लिए हिंदी टेक्स्ट बुक में मध्यकालीन काव्य लगाया गया है, इस काव्य के प्रश्न और उत्तर बताऊंगा। और इन प्रश्नों को और इसके उत्तरों को आप ध्यान से सुन के लिखिए, या तो आप वीडियो को पॉज करके या रोक करके भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं यह वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि जितनी जल्दी हो सके आपकी उंगली सब्सक्राइब बटन को दबाइए और यह वीडियो मेरा चैनल इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के भेज सकूं। तो सबसे पहले रैदास बानी इस काव्य के अंतर्गत आने वाले एक प्रश्न के लिए जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को मैं बताता जाऊंगा और उनके उत्तर भी मैं बताता जाऊंगा और यहां पर मैं दिखाता भी जाऊंगा, ताकि आप उनको देखकर आसानी से लिख सकें। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, रैदास किसकी रट लगाए हुए है? रैदास राम की रट लगाए हुए हैं। रैदास राम की रट लगाए हुए हैं। दूसरा प्रश्न, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? तो इसके लिए जवाब है, अंग अंग में चंदन की या प्रभु राम की भक्ति का सुगंध समा गई है। तीसरा प्रश्न, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। और एक बार, चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। तो उसके बाद चौथा प्रश्न, रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रैदास अपने आप को प्रभु राम जी का सेवक मानते हैं। और एक बार उत्तर, रैदास अपने आप को प्रभु राम जी का सेवक मानते हैं। रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? पांचवा प्रश्न, रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? तो इसका जवाब है, रैदास श्रम या मेहनत करके जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं। रैदास श्रम या मेहनत करके जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं। और सिक्स्थ प्रश्न आपके सामने, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? तो इसका जवाब है, रैदास के अनुसार कभी भी नेक कमाई निष्फल नहीं जाता। और एक बार, रैदास के अनुसार कभी भी नेक कमाई निष्फल नहीं जाता। सातवां प्रश्न आपके सामने, रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां पर सभी को अन्न मिले। रैदास ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां पर सभी को अन्न मिले। तो ये सात आपको एक अंक के लिए आने वाले प्रश्न है, इनको ध्यान से सुनिए और इनको ध्यान से आप लिखिए, तब आप जाके इसमें परिपूर्ण हो सकते हैं। अब तीन अंकों के लिए आने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, और एक बार आपको बता दूं, तीन अंकों के लिए आने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है? रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है? तो इसका जवाब आपके सामने है, कवि संत रैदास जी भक्त और भगवान का अटूट संबंध बताते हुए कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, आप यदि घन वन या जंगल हैं तो हम मोर हैं, आप यदि दीपक हैं तो हम बाती हैं, आप यदि मोती हैं तो हम धागा है, और यदि आप स्वामी है तो हम आपके दास है, फिर हमारा संबंध अलग कैसे हो सकता है? इस प्रकार यहाँ पर रैदास जी प्रभु जी को बताते हैं। इस प्रकार रैदास जी भगवान और भक्त के संबंध में बताते हैं। तीन अंकों के लिए आने वाला दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है?
परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास जी कहते हैं कि संसार के हर मनुष्य को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, सदा कर्म करते रहना चाहिए। उसके अनुसार वह लगन, निष्ठा व ईमान से काम करते रहना चाहिए और उसके फलस्वरूप में उसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। मांग कर खाने की वजह परिश्रम करके खाना चाहिए, यह रैदास जी बताते हैं और कहते हैं कि जो भी मेहनत करेगा उसका पसीना कभी बेकार नहीं जाएगा, उसका परिणाम सदा अच्छा रहेगा, अपने पद्यांश के द्वारा रैदास जी बताते हैं। रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? तीसरा प्रश्न, 3 अंक के लिए आने वाला तीसरा प्रश्न, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? तो उसके लिए जवाब है, संत रैदास ने राम राज्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं, रैदास जी ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां पर सभी लोग समान रूप से रहे, कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो और सभी हंसी खुशी से जहां पर रह सकते हैं, उस राज्य का रैदास जी कल्पना करते हैं या आशा करते हैं। अब आपके सामने संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए का प्रश्न, और इन प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक होते हैं और 4 अंक को 4 भेदों में आपको लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 4 अंक मिल सकते हैं। कम से कम अगर एक प्रश्न का जवाब आपका हो तो बहुत ही अच्छा है। तो संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए इस प्रश्न के लिए जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसका जवाब है, सबसे पहले प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश को हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रैदास बानी नामक मध्यकालीन काव्य से लिया गया है और इसके रचयिता है रैदास जी। संदर्भ लिखिए, कवि ने भगवान के प्रति पूरे समर्पण भाव को स्वीकारते हुए स्वयं को पानी तथा प्रभु को चंदन के रूप में स्वीकारा है। और इसका स्पष्टीकरण, रैदास जी कहते हैं कि अब उनका मन राम में लग गया है, वह अब प्रभु भक्ति से छूटेगा नहीं। वे कहते हैं, प्रभु जी चंदन के समान और हम पानी के समान है, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंध से भर गया है, प्रभु जी बादल के समान है और भक्त मोर के समान है। आसमान में बादल दिखते ही मोर नाच उठता है, वैसे ही प्रभु का नाम सुनते ही भक्त रोमांचित हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही रैदास प्रभु की ओर निहारते रहते हैं। तो ये स्पष्टीकरण है और इसकी विशेषताओं में आपको लिखना है कि आपको जो भी इस काव्य के अंतर्गत विशेष बात नजर आती है तो उसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा, पूरी तरह वो तैयार हो जाएगा, तब जाके आपको 4 अंक के लिए 4 अंक मिल सकते हैं। तो इस प्रकार यह संदर्भ भाव के प्रश्नों का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही संदर्भ का भाव स्पष्टीकरण है, तो आप चाहे तो अलग अलग जो पद्यांश है उनके भी आप संदर्भ स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो प्रश्न है उनके जवाब सही सही लिखने चाहिए। जवाब कितने बड़े हैं ये मायना नहीं रखता, जवाब में कितना विषय अपने लिखा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी कृपया इस ओर ध्यान दीजिए कि आपका उत्तर सटीक हो, ठीक ठीक हो, तो आपको ठीक ठीक अंक मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और आप सभी मेरा अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।